हे गाइस, तो चलो शुरू करते हैं फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फोर्थ यूनिट के नोट्स हैं, आरजीपीवी नोट्स के, डाउनलोड कर लेना या ऑनलाइन देख लेना जैसा ही लगे। सो इसका अपन देखते हैं इसका मतलब क्या है, पूरा समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। अब क्लाउड क्या है, एक तरह का आपका फिजिकल स्टोरेज है, उस फिजिकल स्टोरेज पे स्पेशल सॉफ्टवेयर्स रन हो रहे हैं, तो उस सबको मिला के हमारा बन जाता है क्लाउड, ठीक है। बट अब आप उस क्लाउड पे अपना पर्सनल डेटा डालोगे, ठीक है, तो उसको सिक्योर तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आपका कोई भी पर्सनल डेटा हैक कर लेगा क्लाउड से और गूगल फेसबुक ये आपको हाथ जोड़ लेंगे। सॉरी सर, वी कांट डू, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सीधी बात है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को सिक्योरिटी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी लगानी है तो उसके ऊपर पूरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा है कि जस्ट लाइक पहले हमारे बैंकिंग जो क्लाउड और आपका बैंकिंग जो सिस्टम है, दोनों का इवोल्यूशन एक तरह से सेम ही है। कैसे, लाइक पहले है ना, पहले के टाइम में जो मनी होता था वो एक तरह का क्या होता था, मेटल्स होते थे या स्टोन्स होते थे या आपके कुछ भी मतलब एसेट्स होते थे, उनको हम एक तरह से मनी की तरह बिहेव करते थे। और ये जो है मूवेबल एसेट्स होते हैं, लाइक आपने एक दूध वाले को एक पत्थर दे दिया, मतलब पहले के टाइम में करेंसी की जगह ये चलता था, मतलब पत्थर दे दो तो वो समझता था हाँ कि मेरे को कुछ मिला है, देन वो उसके बदले में आपको मिल्क देता था। ऐसे ही फिर वो मिल्क वाला किसी और को देकर चलता रहता था, ये जैसे आज के टाइम में नोट्स चलते हैं। तो बैंक में भी हम यही चीज़ें स्टोर करते थे, स्टोन सैंड गोल्ड ये सब, ठीक है। तो वैसे ही क्लाउड भी इस तरह से डिजिटली गया है। अब ना आज के टाइम में हम प्लास्टिक मनी लेके घूमते हैं और मैक्सिमम टाइम तो लोग डिजिटली ट्रांसफर करते हैं मनी एक दूसरे से दूसरे अकाउंट तक, तो ऐसा हो गया आज के टाइम में। तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ पहले पैराग्राफ में, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि अब जो है आपके एक स्टैक उनने लगा दिया, स्टैक ऑफ लेयर्स हर एक क्लाउड में, वो आपके गवर्नमेंट और लीगल प्रोटेक्शन की एक तरह से मतलब प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो, ठीक है। तो ये लीगल हो चुका है आज के टाइम में, ठीक है, ठीक है। अब जो भी क्लाउड आप ऐसा तो नहीं कि एक क्लाउड एक वर्ड है, नहीं, इट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो जितनी बड़ी चीज़ उतनी कॉम्प्लेक्स भी होगी। तो उसी तरह से उसकी सिक्योरिटी लगाने के जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो भी इसी की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो होगा, ठीक है। सो अब इसमें है ना, इसके कुछ मेजर एरियाज हैं जहाँ आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर सिक्योरिटी लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी एसेट्स हो, सामान हो, उन चीज़ों पे हमें क्या लगाना है, सिक्योरिटी। लाइक आपके डिवाइसेस होंगे उनकी सिक्योर होनी चाहिए, 50 तरीके की चीज़ें होंगी, मशीन्स होंगी वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन मेजर क्या है, नो सिंगल पर्सन शुड अकोमोडेट ऑल द प्रिविलेजेस, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। प्रोवाइडर शुड डिप्लॉय स्ट्रिंगेड सिक्योरिटी डिवाइसेस, उसमें सबके है ना, मतलब सब कुछ एक्सेस नहीं देना है। लाइक सपोज से आपका एक एम्प्लॉय है क्लाउड में, उसको हम पूरे क्लाउड को एक्सेस नहीं देंगे, उसको हम लिमिटेड एक्सेस देंगे, सबको लिमिट जितना जरूरत है उतना एक्सेस देंगे, दैट्स इट, ठीक है। एक ये है, ऐसे ही करके है ना, मतलब हम इसमें काफ़ी सारी फिजिकल चीज़ों को भी हम चेक करेंगे, वर्चुअल मशीन्स को भी हम ध्यान रखेंगे कि वो कोई भी कंट्रोल ना करें, मतलब जिस यूज़र ने लॉगिन किया वही अपना लॉगिन देख पाए, ठीक है। तो मतलब है ना, ट्रस्टेड कंप्यूटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। कंसोर्टियम आइडेंटिफाई इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर, लाइक ये एक है ट्रस्टेड कंप्यूटिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, लीडर है टू आइडेंटिफाई इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब एक तरह का ये प्रोटोकॉल समझ लो आप जो अधिकतर क्लाउड यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब देखेंगे प्लेटफॉर्म लेवल पे सिक्योरिटी। प्लेटफॉर्म लेवल पे मतलब कि इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी जो मॉडल है वो मोर ऑन द एट लास्ट डेटा पे रहेगा पूरा काम, डेटा की इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, एक तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब सारा इंटीग्रेटेड रहना चाहिए डेटा, फिर दूसरा कॉन्फिडेंशियली रहना चाहिए, सब कुछ सीक्रेटली रहना चाहिए, मतलब एक डेटा के बगल में दूसरा डेटा ये सिर्फ किसी को भी ना पता हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ में, मतलब आपको लॉगिन करना पड़े या एक्सेस टोकन जरूरत पड़े, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे। डिफेंस अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन एंड डीडीओस अटैक, एक हैकिंग का अटैक होता है जिससे मैन इन द मिडल अटैक से बचा जा सके, ठीक है, ऐसे SLA होता है। ये हो गया पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब प्लेटफॉर्म था, अब आएगा एप्लीकेशन लेवल पर सिक्योरिटी। तो आपका सॉफ्टवेयर जैसे डिप्लॉयमेंट मॉडल होना चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर ही बहुत सिक्योर है क्योंकि आपका क्लाउड का पार्ट है। डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन से स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन तो होगी नहीं, उसमें आपका इंटरनेट भी यूज़ होगा, तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी चाहिए।
रेगुलेटरी कंप्लायंस कुछ उसमें रूल्स होने चाहिए, जिससे कि कोई भी मतलब आपकी एप्लीकेशन आकर डेटा स्टोर ना कर ले ज़्यादा, जैसे आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन ना स्टोर करके उसको कहीं सेल ना कर दे। डेटा सेग्रीगेशन होना चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल रहना चाहिए, बैकअप तो उसका होना चाहिए। लाइक सपोज किसी वजह से एक फेलियर होगा तो दूसरा मैनेज हो जाएगा वहाँ से। आइडेंटिफाई मैनेजमेंट साइन ऑन प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द अबव प्रोवाइड बाय SaaS ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पास, तो ये वही कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो SaaS है वो आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाता है पास में, ठीक है। इन मॉडलिंग SaaS इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ना यहाँ पे आपके SaaS को सिक्योर के कुछ हैं कि सिक्योर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होनी चाहिए, सिक्योरली डिप्लॉय हो जाए आपका प्रोजेक्ट, जो आपका कोड को आपको ऑनलाइन करना है, डिप्लॉय करना है, ईजिली हो जाए सिक्योरली, गवर्नमेंट्स के ऑडिट्स उसमें ईजिली होने चाहिए, थर्ड पार्टी SaaS होता है, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका एट डेटा लेवल। डेटा लेवल माने कि आपके डेटा लेवल मतलब सिक्योर हो, आपकी जो डेटा आपने डाला है वो सिक्योर रहे, सबसे क्रूशियल पार्ट ये होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉस भी बनाया होगा इसमें, तो यही है यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपकी वल्नरेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।